तो फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 15 इज डिवाइडेड बाय 17। व्हेन फैक्टोरियल 15 इज डिवाइडेड बाय 17, ऐसा कुछ अगर आता है तो ये विल्सन थ्योरम बेस्ड होगा फैक्टोरियल टाइप में, ठीक है ना। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। और कब रिमाइंडर फाइंड करना है, जब फैक्टोरियल 15 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे जो डिवाइड डिवाइडेड बाय कितना 17 है, तो सॉल्यूशन जब बात करेंगे तो यहाँ पी इक्वल टू कितना है, पी इक्वल टू 17 है, ये पी इक्वल टू 17 है, ठीक है, प्राइम नंबर आपका इस तरीके से पी इक्वल टू 17। तो बाय विल्सन थ्योरम, और विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट जो है क्या है, विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम, तो विल्सन थ्योरम से तो फैक्टोरियल ये लिखते हैं ना, पी माइनस वन है ना, कॉन्वेक्स माइनस वन और मॉडुलो P, यही लिखा जाता है। तो यहाँ P इक्वल टू 17 है, 17 रख दो यहीं पे, जब 17 रख दोगे यहीं पे तो मिल जाएगा फैक्टोरियल 17 माइनस 1, कॉन्ग्रुएंस माइनस 1 और मॉडुलो 17 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से जाएगा कितना, फैक्टोरियल 16 हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस माइनस 1 और मॉडुलो 17 हो जाएगा। अब इस फैक्टोरियल 16 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 15 ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, 17 17 से डिवाइड होकर करेगा, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मिला दीजिए, अगर ऐसा कुछ है ना तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 16 फैक्टोरियल 15 कॉन्ग्रुएंस 16 और मॉडुलस 17। ये चीज अगर इधर का सेम है तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस के रूप में हो जाते हैं, ऐसा भी आपके सामने दिखाई देगा, ऐसे भी रिजल्ट कॉन्ग्रुएंस में होल्ड करते हैं। अब 16 से 16 कट जाएगा, हटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल 15 कॉन्ग्रुएंस 1, है ना, और मॉडुलो 17। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि रिमाइंडर जो है वो आपका 1 आ गया, है ना। कब, जब फैक्टोरियल 15 को 17 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन विल्सन थ्योरम पे जब भी आएंगे तो इसी तरीके से सामान्य छोटे से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, है ना, आप ऐसे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फैक्टोरियल बेस्ड जो होगा क्वेश्चन वही विल्सन थ्योरम पे होगा, ठीक। ध्यान दीजिए, यूलर्स फाइव फंक्शन, यूलर्स फाइव फंक्शन, यूलर्स फाइव फंक्शन, यूलर्स फाइव फंक्शन लिखिए इसमें। देखिए, लेट स्मॉल एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट स्मॉल एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, let small n be a positive integer, then the Euler's phi function is the function phi, then the Euler's phi function is the function phi on positive integers defined by phi n is equal to the number of integers in bracket में लिखेंगे in 1, 2, 3, ... n-1 the number of integers in bracket, curly bracket में 1, 2, 3, ... n-1 which are relatively prime to small n, which are relatively prime to small n,
विच आर रिलेटिवली प्राइम टू स्मॉल एन, बस मारी है मतलब फाइव एन क्या होगा, है ना, फाइव एन क्या होगा, फाइव एन का मतलब वे इंटीजर जो यन के क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे और यन से क्या होंगे, छोटे ही होंगे, यन माइनस वन तक है, है ना। तो भाई एक से लेके यन माइनस वन, अगर यन आप टेन लिए हैं तो टेन से लेस, टेन से लेस वे सभी इंटीजर, है ना, जो पॉजिटिव इंटीजर, वे सभी पॉजिटिव इंटीजर जो यन के या टेन के रिलेटिवली क्या हो, प्राइम, है ना। तो किसी भी यन अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके तो फाइव एन के वैल्यू क्या होगा, फाइव एन में आपके वे इंटीजर आएंगे जो यन से छोटे होंगे और यन के क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, बस हमारे ही है। आगे लिख लीजिएगा, सो दैट फाइव एन इज आल्सो द नंबर ऑफ इंटीजर्स, सो दैट फाइव एन इज आल्सो द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन, ब्रेकअप कर लीजिए वही 1, 2, 3, n-1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चले तो मुझे निकालना हो 524 निकालना हो, 524 निकालना हो, है ना। तो 524 में कौन, 524 में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, तो 524 की वैल्यू जब हम निकालना चाहेंगे तो वे इंटीजर आएंगे तो 24 से लेस होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, वे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे तो 24 से लेस होंगे और 24 के रिलेटिवली क्या होंगे, प्राइम होंगे। जैसे 124 है ना, 224 नहीं होगा, 324 नहीं होगा, 424 नहीं होगा, 524 होगा, है ना। मतलब जिसका जीसीडी असल में ना, जैसे 524 का जीसीडी 1, इसका मतलब 524 आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है ना। 624 नहीं होगा, 724 यह होगा, 724 का GCD 1 है, 824 नहीं होगा, 924 नहीं होगा, 1024 नहीं होगा, 1124 होगा आपका, बस मानी है, 1224 नहीं होगा, 1324 होगा आपका, 1424 नहीं होगा, 1524 नहीं होगा, 1624 नहीं होगा, 1724 भी आएगा आपका, है ना, 18 नहीं होगा, 19 होगा, है ना, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, है ना, 22 भी नहीं होगा, 23 आपका होगा, इस ऐसा कुल 8 नंबर, 8 पॉजिटिव इंटीजर ऐसे हैं, है ना, हाँ, जो 24 के क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। तो 524 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 23 लिख लीजिए इसको, जरूरी नहीं है जी प्राइम ही आए, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए 524 इज इक्वल टू कितना जाएगा, है ना, नंबर कितने आएंगे, 8, 524 ये आप कितना जाएगा, 8, ये आपका 8 आपको मिलेगा, 524 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8, मतलब इसका मतलब 8 पॉजिटिव इंटीजर ऐसे होंगे जो 24 से लेस होंगे और 24 के रिलेटिवली प्राइम होंगे, ये वैल्यू, ये 8 ये आपका होगा, ठीक है ना। जैसे ये ऐसे भी लगा देते हैं फैक्टराइजेशन, हाँ हाँ, अभी तो अभी बता रहे हैं आपको बाय डिफिनेशन, है ना, बाय डिफिनेशन यही है कि अगर यन कोई पॉजिटिव इंटीजर है देन फाइव एन एक ऐसा फंक्शन होता है ना, जो जिसकी वैल्यू जो होगी वह इसी वन से लेके एन माइनस वन में होगी, लेकिन इसमें वे इंटीजर होंगे जो यन के क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे और यन से क्या होंगे, लेस होंगे, ठीक है। इस तरीके से वेडिंग कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलर्स फाइव फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलर्स फाइव फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलर्स फाइव फंक्शन, ठीक है। तो वन बाय वन कई प्रॉपर्टी में लिखा रहता हूँ यहाँ पे, सबका यूज आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलर्स फाइव फंक्शन, इलर्स फाइव फंक्शन, फाइव फंक्शन, नंबर फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी, अगर पी प्राइम हो, इफ पी इज प्राइम, अगर पी प्राइम हो देन तब जो 5p की जो वैल्यू आएगी वो p माइनस 1 के बराबर होगी, अभी मैं सबसे बताऊंगा अभी आपको एग्जांपल देके। दूसरी, सेकंड, कि इफ p इज प्राइम, अगर p प्राइम है, अगर p प्राइम है और n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 1 है, तो ऐसे केस में जो 5p टू द पावर n होगा वो p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1 होगा, मतलब इसको p टू द पावर n कॉमन कर लेंगे तो 1-1/p हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। थर्ड, तीसरा, अगर मान लीजिए p प्राइम है, p इज प्राइम
अगर p प्राइम है और n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो ऐसे केस में फाई p टू दी पावर n प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो p फाई p टू दी पावर n के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से ये रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अगर जीसीडी यम कामा यन का एक हो तो ऐसे केस में फाई एम इंटू यम जो होगा ये आपका फाई यम और इंटू फाई एन के बराबर आएगा। और इसी तर्ज पे अगर मान लीजिए इफ एन वन कामा एन टू कामा डॉट डॉट एन आर ये सब इस तरीके से हो आर पेयर वाइज, मतलब किसी भी दो को लें तो प्राइम हो आर पेयर वाइज प्राइम इंटीजर किसी भी दो को ले उनका जीसीडी वन आए, तो ऐसे केस भी इसी सेम पैटर्न पे देन फाइव एन वन एन टू एन थ्री इन टू डॉट डॉट एन आर ये आपका हो जाएगा फाइव एन वन अलग अलग फाइव एन टू फाइव एन थ्री और डाटा डॉट फाइव एन आर। फिर सेम पैटर्न पे अगला प्रॉपर्टी इसका है कि अगर मान लीजिए लेट n इज इक्वल टू इस तरीके से हो p1 टू द पावर अल्फा 1 p2 टू द पावर अल्फा 2 p डॉट डॉट pr टू द पावर अल्फा r, अगर ऐसा हो जहां पे वेयर जो p1 p2 और pr हैं ये सब के सब प्राइम हो आर प्राइम्स आर डिस्टिंक्ट प्राइम ये सब डिस्टिंक्ट प्राइम हो डिस्टिंक्ट प्राइम एंड ईच अल्फा आई इज अ पॉजिटिव इंटीजर ये पॉजिटिव इंटीजर हो देन ऐसे केस में जो फाई एन की वैल्यू आएगी फाई एन इज इक्वल टू एन और वन माइनस वन अपान पी वन वन माइनस वन अपान पी टू डॉट डॉट वन माइनस वन अपान पी आर। ठीक है, ये आपको रिजल्ट दिखाई देगा। और एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि अगर मान लीजिए एन कोई ऑड इंटीजर है इफ एन इज एन ऑड इंटीजर अगर एन कोई ऑड इंटीजर है तो ऐसे केस में जो फाई टू एन की वैल्यू होगी वो फाई एन के ही बराबर होगी। एक प्रॉपर्टी और लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए एन की वैल्यू दो से बड़ी है देन तब जो फाई एन होगा ये आपका हमेशा इवन आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो फाई फंक्शन जो होल्ड करता है और इन सबको हम अपने जरूरत के अनुसार अगर हमें फाई की वैल्यू फाई एन की वैल्यू निकालनी है तो इन सबका हम यूज कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। इसमें मेन आपके से छठा जो सिक्स वाली है प्रॉपर्टी वो अपनी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाली फिफ्थ और सिक्स ये सब इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फर्स्ट फिफ्थ सिक्स यही दो तीन चार का हमेशा ही लोग यूज करते रहते हैं। ठीक है, कर लीजिए इसको। फिर सुबह मैं आपको इस पर एग्जांपल भी बता देता हूँ किस तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे। सेकेंड वाला भी सही था। ठीक है, सब पे लगेगा, दिखाते हैं कैसे कैसे काम करेगा। तो अब इन सब प्रॉपर्टी का दिमाग में है तो फिर आपको कोई भी फाइल की वैल्यू कितनी बड़ी दे दी जाए आप उसको इजिली बता सकते हैं। क्योंकि देखो इस तरीके से बताना कि फाइल फाइव की एन की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए और हम इस तरह से पता करें कि कौन कौन उसके रिलेटिवली प्राइम है उससे छोटे, तो ये बड़ा कठिन काम हो जाएगा। 24-25 तक ठीक है चलता है, लेकिन अगर ये संख्या 1000-2000 ऐसे कुछ बड़ी संख्या हो जाए तब तो हम गिनते रह जाएंगे 3 घंटे उसी को खाने अंदर। तो उन सब ऐसे ऐसे नंबरों के लिए आप इस तरह के इस सब जो फार्मूले हैं सब काम करते हैं और इजीली बता देते हैं कि हाँ इतने ऐसे नंबर होंगे, इनसे हमें यह पता चल जाएगा इतने ऐसे नंबर होंगे जो उस एन के रिलेटिवली प्राइम होंगे और एन से क्या होंगे लेस होंगे। देखिए सब प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसे पहला है कि अगर पी प्राइम हो देन फाइव पी इज इक्वल टू पी माइनस वन। जैसे अगर हम पहले की बात करें तो अगर यहां बात करें पी प्राइम मान लीजिए पी इक्वल टू मैंने फाइव ले लिया, फाइव प्राइम नंबर है तो जो फाइव फाइव होगा ना ये आपका फाइव माइनस वन मतलब फोर, मतलब चार ऐसे नंबर होंगे जो पांच से छोटे होंगे और पांच के रिलेटिवली प्राइम होंगे। कौन वो नंबर होगा, वन होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा और फोर भी होगा। वन फाइव टू फाइव है ना भाई, वन टू थ्री फोर ये चारों नंबर फाइव के रिलेटिवली प्राइम होंगे। बात समझ आ रही है, ऐसे कोई भी इस तरह से फाइव इलेवन हो गया आपके पास तो इस फाइव इलेवन के कितने हो चुके इलेवन प्राइम नंबर है तो इलेवन माइनस वन मतलब टेन,
है ना, 10 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो 11 के रिलेटिवली प्राइम होंगे, 1 से लेकर 10 तक ये सभी 11 के रिलेटिवली प्राइम होंगे और 11 से क्या होंगे, छोटे होंगे, बस समझ आ रही। तो ये चीज है, तो अगर आपको पता है कि जो नंबर दिया गया है जिसका जिसके लिए फाइव इक्वेशन निकालनी है ना इलेस फाइव फंक्शन के हिसाब से, तो अगर वो प्राइम नंबर है तो उसको तुरंत आप बता सकते हैं कितना आएगा फाइव पी की वैल्यू, बस समझ आ रही। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि अगर पी प्राइम हो उसकी वैल्यू एन या एन से बड़ी हो तो p के पावर कुछ भी लगाएंगे उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास p की बात है, p प्राइम की बात है, तो मान लो हमारे पास 5 दो ही ले लेते हैं और 2 के पावर मान लो 4 हो गया, 2 की पावर कितना हो गया 4, अब 2 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है मुझे, 5 2 की पावर 4 मतलब अगर मान लीजिए 560 ने दे दिया है तो 560 मैंने लिख दिया 5 2 की पावर 4 लिख दिया, 560 मतलब 5 2 की पावर 4 लिख दिया है ना, तो 5 2 की पावर अगर 4 लिख दिया तो अब यहाँ पे 2 प्राइम हो गया, 4 आपका एन की वैल्यू हो गई, तो पी के पावर एन मतलब 2 के पावर 4 ऐसे लिखा जाएगा, फिर 1 माइनस 1 अपान पी मतलब 2 है ना, तो यहाँ से जाएगा कितना 2 के पावर 4 और 1 माइनस 1 का 1 बाई 2 या 2 काट देगा एक को 2 क्यूब बच जाएगा मतलब 8, मतलब 516 की वैल्यू कितनी होगी 8। तो देखिए पता चलेगा भाई 516 वैल्यू 8 मतलब 8 ऐसे आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो 16 के रिलेटिवली प्राइम होंगे, 16 से छोटे होंगे, ऐसे 1 आपका आएगा 116, 216 होगा लेकिन 316 होगा, 416 होगा लेकिन 516 होगा, 716 होगा, 816 नहीं होगा, 916 भी होगा है ना, 916 भी होगा, 1116 भी होगा, 1316 भी होगा है ना, और 1516 भी होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर मिल गए आपको, बस समझ आ रही है। तो ये उस पर काम करो और इसी का जनरलाइज रूप कर सकते हैं, ये वाला है ऐसे मिलते जाएंगे। आगे देखिएगा ऐसे अगला वाला है कि अगर पी प्राइम नंबर है और उसकी और एन की वैल्यू 1 से या 1 से बड़ी है, 1 के बराबर है, 1 से बड़ी है, तो 5p के पावर एन 5p टू द पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू 5p पी इंटू 5p टू द पावर एन, एक ऐसे मतलब देखो ऐसे मान लीजिए 532 की वैल्यू निकाल ली, 532 की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं है ना, 5 मैं 2 के पावर इसको लिख दूं 5 यही ना, 2 की पावर 5, 5 2 की पावर 5 लिख दिया, अब 5 2 की पावर 5 इसको लिख सकते हैं अगर मैं इसके हिसाब से ब्रेक करूं जैसा इसने कहा है, तो p मतलब 2 को बाहर कर दूं, इसको लिख दूं 5 2 की पावर 4 लिख दूं है ना, पी कितना, पी 2 है हमारा, तो जो पी बाहर करके 5p के पावर एन मतलब एक पावर कम कर दीजिए, कम कर दिया 2 बाहर करके एक पावर कम कर दिया 5 से 4 कर दिया, अब इसकी वैल्यू देखो, अब इसकी वैल्यू अभी आप निकाले 5 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई 8 आई, तो 2 * 8 मतलब कितना आएगा 16, तो ये फार्मूला ऐसे आप यूज कर सकते हैं, मतलब 532 की वैल्यू निकालें 16 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो 32 के क्या होंगे रिलेटिवली प्राइम होंगे और 32 से क्या होंगे लेस होंगे, ऐसे गिन लीजिए 32 आपको 16 नंबर ऐसे मिल जाएंगे, पी की पावर है हैं, इस पर डायरेक्ट इसको लगा सकते हो, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा सकते हो है ना, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला इस पर भी काम, मतलब कि अगर मान लीजिए आपने 2 पावर 4 का निकाल लिया है तो दोबारा क्यों कैलकुलेशन करने जाएं, मैं 16 का निकालिए 516 का निकालिए 2 पावर 4 करके और 532 का पूछा जाए तो काहे फिर से कैलकुलेशन कर जाए, बस 2 से गुणा कर दे, बस बता रही है ना, मतलब पी से गुणा कर दे, इस प्रकार से अगर मान लीजिए 64 का पूछ दिया तो हमने 32 16 का सब निकाल लिया है तो 2 से गुणा कर दे, तब हम ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं ना, अदरवाइज हम डायरेक्ट अगर निकालना हो 532 का वैल्यू 2 पावर 5 का तो मैं ऐसे निकाल सकते हैं 2 पावर 5 * 1 - 1 / 2 को निकाल सकते हैं तभी 16 आएगा, बस बता रही है ना, ये बताना प्रॉपर्टी। अगर देखिए है कि अगर वो जो p के पावर n + 1 वो बताइए, भाई जो p के पावर n + 1 इसको करवाना पड़ेगा, ये यही बता रहा हूं भैया, ये क्या लिखा हूं 532 के पावर 4 5 मतलब n + 1 किसने लिखा, तो हूं देखो 4 नहीं लिखा हूं, p को बाहर कर दिया पावर 1 कम कर दिया, वही तो बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगला है कि अगर m और n का gcd 1 हो तो ऐसे केस में 5m * n = 5m * 5n, जैसे मान लीजिए आपको 5-6 की वैल्यू निकालनी है 5-6 की, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 5-6 की, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाले तो हम इस 5-6 को लिख सकते हैं 5 2 * 3 लिख दूं है ना, अब 2 * 3 कर दिया, अब 2 मतलब m और 3 मतलब n और 2 और 3 का जीसीडी बनाएगा, तो अब मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे कर दूं 5 2 * 5 3 कर दूं, अब 5 2 भी हमारा प्राइम नंबर है तो इसका 1 आएगा और 3 प्राइम नंबर का 2000 मतलब 5 6 की वैल्यू 2 आ गई इस तरीके से, अब ऐसे ही देखो निकालो पता करो 6 की तो 1 6 ये रिलेटिवली प्राइम है, 2 6 नहीं है, 3 6 नहीं है, 4 6 नहीं है, 5 6 बस यही है 1 और 5 ये दो मिलेंगे है ना,
तो ये चीज इस पर काम करता है कि अगर इस तरीके से आपके पास वैसे 5 10 का निकालना तो 2 × 5 कर दीजिए, 2 × 5 करके तो 5 2 निकाल लीजिए अलग से, 5 5 निकाल लीजिए अलग से, पूरा कर दीजिए, बस हमारी है एक आने का मतलब। और वही चीज अगर मान लीजिए कई पार्ट में हो जाए, जैसे मान लीजिए 5 30 हो गया, 5 30 हो गया, तो 5 30 को ले सकते हैं 5 2 × 3 × 5 दो तीन छह बजे 30। अब इसको हम कर दे ऐसे, अब इसको अलग कर दे 5 2 5 3 5 5 तो 5 2 1 5 3 2 5 5 4 क्योंकि 2 3 5 सब प्राइम नंबर है तो फर्स्ट रूल्स हो जाएगा, ये 8 आएगा 5 30 की वैल्यू, बस मैं नहीं तो ये जो देता है ना n1 n2 n3 n r, ऐसे कई ऐसे मान लीजिए कोई नंबर बड़ा नंबर है जब उसको हमने फैक्टर किया तो उसमें सब एक दूसरे के सभी नंबर एक दूसरे के क्या है, सब एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम हो जाए। और ऐसे केस में तब आप उसको इस तरीके से अलग अलग करके भी लिख के निकाल के गुणा करके लिख सकते हैं, है ना। और ये सबसे सबसे जबरदस्त आपकी प्रॉपर्टी 6 नंबर की प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है ना। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से नंबर जो 6 वाली प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं क्या होगा। अब नंबर 6 वाली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो इसमें ये बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि यहाँ पे कितने बड़ा नंबर आप ले लें, आप काम से मान लीजिए 500 निकालना है मुझे, 500 निकालना है, ठीक है ना। तो अब ये जो 100 है इसका हम कर देंगे क्या, फैक्टराइजेशन कर लीजिए 100 का, तो 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, 20 25 100 कर दिया, चलो 20 25 100 हो गया, मतलब ये आपका जाएगा है ना 4 5 हाँ ये जाएगा 2 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो हम 100 का करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 5 × 5 यही आएगा, है ना। तो ये 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग चले तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका पी, यहाँ पे P1 जो हो गया आपका 2 हो गया, और P2 जो हो गया वो 5 हो गया, और α1 जो हो गया वो 2 हो गया, और α2 हो गया 2 हो गया, है ना। P1 to the power α1 और P2 to the power α2 जी सर। तब इसके अकॉर्डिंग निकाले 500 तो n मतलब 100 इंटू 1 माइनस, प्राइम नंबर मतलब है, पावर से कोई मतलब है नहीं है, अल्फा और अल्फा टू से कोई मतलब नहीं है, खाली 1 − 1/P1 मतलब 2 और 1 − 1/5 है ना, 100 और 1/2 और 5 = 4/5, 5 × 10 ये 10 हो जाएगा 40 आ जाएगा इसका, 500 की वैल्यू आ जाएगी 40, बस समझ में आ रही है। तो ये तरीका आपके पास होगा, आप ऐसे किसी भी बड़े नंबर का आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें पावर से कोई मतलब नहीं, पावर कितना है ना, बस देखिए P1 × α1 × α2 कैसे निकालिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। समझ लीजिए अगर हमको 560 निकालना हो ना, 560 देखो ये चीज इस पर भी लगा सकते हो, इसी पर लगा सकते हो, वही तो था 560 मतलब वही उसी रूल के अकॉर्डिंग था, 560 मतलब 5 2 के पावर 4 हो गया हमारा, तो यहाँ पे वही कहानी है, P1 हमारा 2 हो गया है ना, अल्फा 1 4 तो अल्फा 1 से मतलब है नहीं हमारा, रियल मतलब 16 × 1 − 1/2 ये तो भी निकाले थे आप, तो ये आया था आपका हर में होल्ड करेगा है ना, ये सब में काम करेगा। ऐसे मान लीजिए 5 आपको निकाला है 6 × 5 का 625, तो 5 × 5 × 5 625 है ना, मतलब 5 to the power 4 5 to the power 4 इस 4 से कोई मतलब नहीं, 625 लिखिए और 1 − 1/5 लिखिए तो 625 है ना, और 4/5 हो जाएगा, और ये 125 और गुणा कर दीजिए 4 से है ना, तो 4 × 5 = 20 और 48 तो 500 हो जाएगा, 500 ऐसे नंबर आएंगे जो 625 से छोटे होंगे, 625 के रिलेटिवली प्राइम होंगे, बस समझ आ रही है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है क्योंकि इस पर हम बहुत बड़े बड़े नंबर तो भी आसानी से कर लेते हैं, ये सबसे बेस्ट आपका यही है, ये आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि अगर n इज इक्वल टू P1 to the power α1 × P2 to the power α2 × P2 to the power α3 ⋯ P r to the power α r हो, देन तब ऐसे केस में और है ना जो आपका फाइ एन होगा वो एन इंटू 1 − 1/P1 × 1 − 1/P2 × 1 − 1/P3 ⋯ × 1 − 1/Pr होगा, ठीक है। इस तरीके से अब 7 8 से सामान्य सी बात है कि अगर यन कोई 8 इंटीजर हो तो 5 2n की वैल्यू 5n के बराबर ही होगी। जैसे यन कोई 8 इंटीजर की बात कर रहे हैं, है ना, इफ यन इज एनी ऑड इंटीजर, मान लीजिए हमने n इक्वल टू ले लिया 5, n इक्वल टू का ले लिया 5, 5
तो n इक्वल टू मैंने 5 ले लिया, r इंटीजर, r है ना, है ना, तो 5 2n मतलब 5 10 की वैल्यू वही होगी जो 5 5 की वैल्यू होगी। ऐसे करने का मतलब कि अगर कोई r इंटीजर है या कोई r इंटीजर इंटीजर है तो 2 n कर देंगे आप, तो 5 2n की वैल्यू वही होगी जो 5 n की वैल्यू होगी। पसंद आ रही है? देखो 5 10 की वैल्यू निकाल के देखो आप, 5 10 की वैल्यू कितनी, वेट ऐसे नंबर जो 10 के रिलेटिवली प्राइम हो कौन होंगे, 1 होगा 2 होगा है ना, और 2 नहीं होगा है ना, तो 5 10 अगर निकालो तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 1 3 7 1 3 9 7 9 है ना, तो 4 आएगा इसकी वैल्यू, 4 आएगा। अब 5 5 की भी निकालो 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, सही डायरेक्ट माइनस में कर दो, पसंद आ रही है ना, क्या बताओ वैल्यू वही होगी जो 5 7 की वैल्यू होगी। आप देख सकते हैं आराम से चेक कर सकते हो, यही इसके इस लाइन का मतलब ये है। अब इस लाइन की मतलब बात की जाए, आठवां वाला जो प्रॉपर्टी इसकी अगर बात करें हम लोग, इसमें क्या होगा कि अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो फाई n की वैल्यू हमेशा क्या आती है, इवन आती है, है ना। जैसे देखो अभी यही देखो ना, ये 5 10 की वैल्यू ये 2 से बड़ा है 4 आया, 5 5 की वैल्यू 2 से बड़ा है कितना आया 4 आया, है ना, 5 3 का भी निकालोगे जो 2 से बड़ा है तो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। तो हमेशा मतलब ये चीज याद रखिए, जितना भी आप निकाले देखो 16 8 यही सब तो निकाल रहे थे ना, तो जितना सब इवन आ रहा था, तो अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी है ना तो 5 n की वैल्यू हमेशा क्या आती है, इवन आती है। ये सबसे मान लीजिए कहीं आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया, अब बोला 5 इतने की वैल्यू बताओ बड़ी वैल्यू, तो बोले r वाला आंख मुंह के काट देना है, बस में ही ना 8 नहीं होगा, ये कंफर्म याद रखेंगे, n की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो 5 n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इवन होगी, बस में मारिए ना। ये सब प्रॉपर्टी है जो इलस्ट्राई फंक्शन आपको क्या करता है, होल्ड करता है। आइए किसी भी क्वेश्चन आपको आपको लंबा बड़ा बड़ा एन की वैल्यू देते हैं और आपसे पूछते हैं कितना होगा 5 एन की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है ना। ये सभी प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है, आसानी से आप बता सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा, लिखिए कैलकुलेट, कैलकुलेट कैलकुलेट 5 1001 एंड 5 1896 बताइए इसकी वैल्यू निकाल कर, 5 1001 एंड 5 1816 7 से काटेंगे आप 7 एकम 7 3 7 4 28 और 2 7 3 21 है ना फिर इसको हम 11 से काट सकते हैं 11 एकम 11 और 11 3 33 फिर 13 से काट देंगे कट जाएगा। तो 1000 एक का गुणनखंड हो गया भैया, 1000 एक का आ जाएगा 7 × 11 × 13 यह हो गया इस तरीके से। इसके बाद दूसरा 1896 है, 1896 तो 2 से काटेंगे दोनों 18 2 × 8 2 × 8 16 फिर 2 से काटेंगे 2 × 8 14 2 × 8 फिर 2 से काटेंगे 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 7 = 14 है ना, 3 × 2 = 5 और 3 से कटेगा भी 3 × 7 = 21 3 × 9 = 27 अब सीधे सीधे 79 से कट जाएगा एक बार भी। तो ये 1896 का जो फैक्टराइजेशन जो फैक्टर होगा जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 79 है ना। ये अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन तो हमको निकालना है 5 101 की वैल्यू, मतलब हमें निकालना है 5 7 × 11 × 13 की वैल्यू, हमें निकालना है 5 7 × 11 × 13 की वैल्यू। तो आपके पास फार्मूला है ना, आप क्या लिख सकते हैं फार्मूला, देखिए ये है हाँ, आप वैसे ही कर सकते, दिक्कत नहीं, यन मतलब यह तो 1001 है ना, और 1 − 1/7 1 − 1/11 1 − 1/13 कर लीजिए, ठीक है ना। देखो ये भी तरीका है,
दूसरा तरीका भी अभी कैसे और लगा सकते, बहुत तरीके आपको कई रूल लिखाए गए हैं, सब समझाए भी गए हैं। तो 1001 और 1-1/7 मतलब 6/7, 10/11 और 12/13, इसको सॉल्व कर लीजिए जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो 5101 है इसको आपने लिखा 5 7 11 सॉरी 5 7 into 11 into 13, तो एक्चुअली देखो देखो ये भी प्राइम 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 है, तो इसको है ना आराम से आप 5 7 5 11 और 5 13 कर सकते हैं, और 7 प्राइम है, P प्राइम है, तो 5 7 की वैल्यू 6 हो जाएगी, 7-1 इसकी वैल्यू 11-1 10 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 13-12 हो जाएगी। देखो ये हो गया 62-72-720 मुझे जब सब प्राइम होंगे तब के लिए है, अगर सारे नंबर प्राइम होंगे तब के लिए, अगर फैक्टर कर दिया अभी पावर नहीं है, पावर अगर नहीं है, है ना, बस सीरीज से पावर इसका 1 है, 7 पावर 1 11 पावर 1 इसका पावर 1 है, तो ऐसे कैसे इन सबको अलग अलग कर लोगे आप, फैक्टर करते हैं तो प्राइम में फैक्टर हुआ करता है, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको भी लगा सकते हो, और ये फार्मूला तो सदाबहार फार्मूला है ना, किसी भी लगा तो लग जाएगा, ठीक है, चाहे कितना बड़ा हो, पावर हो चाहे ना हो, ये सब पे लगने वाला है। फिर ऐसे ही बेटा इसको सॉल्व करो वही आएगा, इसको सॉल्व करो वही आएगा, फिर ऐसे आप 5 1896 का निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो 5 1896 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 3 और (2)3 की पावर 1 (79 की पावर 1 ये आ गया। अब इसको इस तरीके से लगाने नहीं जाएंगे, अब इसको डायरेक्ट इसी तरीके से लगा देते हैं, कैसे लगा देंगे, फाइव यन लिखते हैं, यन मतलब जिसका करना है, 1896 इंटू 1-1/P1, देखो ये P1 है, ये P2 है, P3 है, P1 मतलब 1/2, फिर 1-1/P2 मतलब 3 है ना, और 1-1/P3 मतलब 79, ये हो गया, तो यहां जाएगा 1896 और 1-1/2 मतलब 1/2, 1-1/3 मतलब 2/3 और 1-1/79 मतलब 78/79, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपको ये 20 की वैल्यू मिल जाएगी गुणा करने पर, ये 624 से आपको मिल जाएगा, ये 624 ठीक है, ऊपर 770 और ऊपर 720। तो ऐसे आप किसी भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपको दिया जाए तो उसके लिए आप फाइव एन की वैल्यू आप पता कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, आप लोग घड़ा जरूरत नहीं, आप लोग देख लीजिएगा पिछला जो रूल आपको लिखवाए हैं आराम से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सब कुछ इजीली कर लेंगे, क्योंकि मैं 8 नियम लिखाया हूँ उस पर, और 8 को मैंने समझाया कैसे कैसे काम करते हैं 8, और वो 8 को जिसने देख लिया उसके लिए अब किसी भी 5n की वैल्यू निकालना उसके लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है उसमें दम। Thank you.